असल सर तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे खैर से होंगे मज़े में होंगे तो आप सब ने अगर मेरा कोंडेश्वर का वीडियो ज़रूर देखा होगा तो देखा होगा तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए तो आज मैं आई हूँ कुछ नई वीडियो के साथ एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ और वो रेसिपी क्या है मैं आपको बताती हूँ और सेकेंडली जो मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़े काफ़ी दिनों से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी देर व सटन रीज़न एक तो रीज़न ये था कि घर के कुछ काम थे और काफ़ी ना बैक टू बैक बैक टू बैक कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे थे जब मैं ऑलरेडी काम चालू है जो अभी पूरा हुआ नहीं है वो भी साइड में चल रहा है विच इज़ ऑल्सो तो इनकम्प्लीट वो भी होगा साथ साथ में इन और बहरहाल ये सब भी हो जाएगा साथ साथ मैं आपको एक घर का छोटा सा मिनी टूट दिखा देती हूँ कि जो हमने बीच में जो फ्लैट्स लिए हैं बाजू में जो फ्लैट लिया है दोनों फ्लैट को हमने क्लब किया है वो किस तरह क्लब किया है वो मैं आपको दिखा दूँगी तो आप मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा और सैरा रेस्टोरेंट है तो उस पर हमें टाइम देना है तो इसकी वजह से यही रीज़न था और घर में भी जो काम चल रहे हैं काफ़ी इश्यूज़ हो रहे थे और काफ़ी दिक्कत आ तो रही थी कुछ ना कुछ चीज़ों में तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी थी तो मेरे वीडियोज़ नहीं बना पाए आप प्लीज़ मुझे मैं सॉरी करती हूँ आप लोगों से मैंने इंटरेस्टिंग रेसिपी लाई है तो मैंने जो रेसिपी आज बनानी है वो मूंग गोश है जो ग्रीन कलर का जो मूंग होता है आका होल मूंग उसका मूंग मटन बोलो या मूँग गोश बोलो वो आज मैं बना रही हूँ तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ये देखने के लिए कि हाउ आई कुक सो so, ये जो आप देख रहे हैं मेरी रिफ़त बना रही है ये पोस्टर है जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है फिफ्टीथ अगस्त उसके लिए जिशान का प्रोजेक्ट है ये और जिशान काफ़ी बिज़ी था उसको काफ़ी होमवर्क मिले थे नोट्स कंप्लीट करने थे तो रिफ़त ने कहा कि वैसे भी आई एम फ्री मैं काफ़ी बिज़ी नहीं हूँ तो मैं बना देती तो रिफ़त ने ये बनाया है माशा बहुत अच्छा बनाया है बहुत प्यारा बनाया आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा इंडिपेंडेंस डे का ये पोस्टर तो ठीक है चले किचन में चलते हैं फिर तो बस ये आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग कोश तो ये मैंने मूंग लिया है होल मूंग और इसे मैंने ज़्यादा देर नहीं कुछ तीन से आ, दो से तीन घंटा मैंने इसे वॉश करके भिगो दिया था और ये जो मटन को मैंने हल्दी नमक डाल के बॉईल कर लिया तब मेरा काम ईजी पड़े तब मुझे फटाफट बनाने में मज़ा आता है तो ये ईजी आपके स्टेप्स ईजी हो जाते हैं तो बस ये जो दिख रहे हैं ये सिंपल सिम्पल के साथ आपको बनाना है तो मैंने लिया है लहसुन मिर्ची ज़ीरा एंड काली ये आपका मसाला है जिसमें सॉरी जिंजर गार्लिक दोनों है अनियन है टमाटो है करी करी लीव्स लगेगा आपको कड़ी पत्ता और दही मैंने ली है एक छोटा पोर्शन लगभग सौ ग्राम से थोड़ा कम और ये मेरे ड्राई स्पाइसेस है मसाले जो सूखे पाउडर है पाउडर मसाले वो जाएंगे और एवरेस्ट का मैंने गरम मसाला बिकॉज़ तो गरम मसाला मेरा खत्म हो चुका है ये हमारा सिम्बा आराम करते हुए हमेशा की तरह तो ये देखिए घर का जो काम है ये बाजू का फ्लैट में मैं खड़ी हूँ मेरे नेक्स्ट फ्लैट में और वो फ्लैट मेरा बाजू वाला था तो इसका काम अभी देखिए इतना इनकम्पलीट ही रखा हुआ है क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे इसलिए हमने इसे होल्ड पर रखा है तो ये का आपको लुक दिखा देती हूँ क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है कम्प्लीट होने में टाइम जाएगा तो बस आपसे थोड़ा सा शेयर करना था तो इतना ही मैंने बताया कि क्लब किया है अब मैंने एक बर्तन ले लेना है चाहे आपको बड़ा भगोना लेना है जैसे भी आपकी इच्छा आप जो ले लें ऑयल मैंने डाल दिया ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो उसमें मैंने अनियन और करीलीव ऐड किए हैं और गरम मसाले ना मैं थोड़ा मिनिमम यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादा गरम मसाले जो कि अगर मैं मसाला ऐड करती हूँ तो मैं खड़े गरम मसाले जो होल गरम मसाला वो एकदम कम यूज़ करती हूँ अगर मैं गरम मसाला खड़ा यूज़ करती हूँ तो फिर मैं मसाला जो जो पीस के डालते हैं वो बहुत कम यूज़ करती हूँ तो इस अदरवाइज़ वो थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा होता है तो बहुत इश्यू देता है तो अभी अनियन को डालने के बाद अनियन अच्छा सा गोल्डनिश ब्राउन पिंकिश ब्राउन हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने मसालों को पीस के रखा था ना वो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे बस आपको स्टर करते रहना है ये कंडीशन में मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर दूँगी और ये मसाले ऐड करने के बाद देखिए ऑयल में एकदम तड़ तर, तड़का जैसा लग गया है बस ये अब मस्त इसको हमें भुनना है मस्त में अच्छे से भुनना है और पहले जब ये मसाले की जो रॉ स्मेल होती है ना जिंजर गार्लिक ग्र, ग्रीन चिली वग़ैरह इसकी रॉ स्मेल जब चली जाएगी तब मैं इसमें ये देखिए मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है ये मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और आ, मैं जो ऐड कर रही हूँ वो मैंने रेड चिली थोड़ी तीखी ऐड की थी ये थोड़ा कलर के लिए ऐड किया है और बस इसको मैंने अच्छे से स्टोर करना है और इसको अच्छे से भुनना है ताकि तेल अच्छे से छूट जाए और मसाला अच्छे से जो रॉ स्मेल होती है ना मसाले की खाने में एक्चुअली जो रॉ स्मेल होती है वो चली जाना चाहिए तब खाने का एक्चुअल टेस्ट पता चलता है तो अच्छे से भुनना है आपको और बस यही मैं भूनूंगी अब मैं जो मैंने दही लिया था उसको मैंने अच्छे से फेंट लेना है साइड में वो मैंने रख दिया अब मैंने इसमें डालना है टमाटो जो मैंने बारीक चॉप करके रखा है टमाटो डालने के बाद इसको स्टर करेंगे अच्छे से और उसके बाद मैंने जो दही को फेंट के रखा है वो मैंने ऐड किया दही ऑप्शन है आपको डालना है डालें नहीं डालना है दैट्स योर चॉइस सही मैंने डाला है कोई कोई दूध भी डालता है या क्रीम भी डालता है दैट्स योर चॉइस आप डाल सकते हैं तो अब इसको अच्छे से फेंटेंगी मैं ताकि इसमें लम्ब जो दही के ना वो नहीं रहे और बस फिर ये जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाला अच्छे से पक जाएगा ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया तरी एकदम ऊपर आ गई है मस वाली अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये पोजीशन में जो मटन मैंने बॉईल करके रखा था वो मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर और मटन को बॉयल कर लेने से मटन का जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है ना वो ईज़ी हो जाता है अदरवाइज़ के बाद मैं पानी ऐड करूँगी पानी ऐड करने के बाद तो उसको अच्छे से बॉइल होने दूँगी अब ये जो मैंने दाल जो थी ली थी मूँग दाल वो मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है बॉईल करने के बाद वो तो अच्छे से गल गई थी तब मैंने इसको ऐड किया है एक जान हो गई है पूरी ग्रेवी अब इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर के लिए विदाउट आउट लेड लगाए हुए मैं इसको पकने दूंगी इसमें मैंने ऐड किया है गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से मैं मिक्स करने के बाद इसको बॉईल होने के लिए गैस स्टोव पे छोड़ दूँगी फाइव टेन फाइव टू सिक्स मिनट आपको ऐसे पकने देना है स्लो आज पे जब ये अच्छा से इसका सब मिक्स हो जाएगा तो ये आपकी ग्रेवी देखिए माशाल्लाह रेडी हो गई कलर कितना प्यारा आया अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ और आज मैं कुछ अलग तरीके से करने जा रही हूँ ये मैं डिश आउट कर रही हूँ और राइस मैंने क्या किया है मैंने राइस प्लेन ही रखा है प्लेन राइस के साथ ये बहुत अच्छा लगता है आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं टोटली योर चॉइस तो आज मैंने राइस किया है इसके साथ तो बस मैं आपको इसको एक बाइट लेके बताती हूँ कि मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा एक बाइट खा के देखना क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ बहुत टाइम के बाद इसी तरह सो so, मेरी डॉटर के हिसाब से मैंने ये ट्राई किया कि टेस्ट कर लेती हूँ और टेस्ट करके आपको भी एक फीडबैक देती हूँ तो माशाल्लाह से ये बहुत यमी है बहुत टेस्टी है बना मैं झूठ नहीं बोल रही आप भी बनाइए आप खाइए और मुझे फीडबैक दीजिए तो ये रेसिपी कंप्लीट हो गई है आपको कैसे लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो क्या करना होगा आपको लाइक करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स का जरूर 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 शेयर कीजिए एंड टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में मुझे याद रखिए मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ तिल देन अपना ख्याल रखिए खुश रहिए अल्लाह हाफिज़